The first and last terms of an AP are 8 and 350 respectively. अब हमारे पास एक arithmetic progression है जिसका पहला term यानी कि A1 8 के बराबर है और उसका last term चलिए उसको nth term मान लेते हैं AN उसकी value 350 दी हुई है. If its common difference is 9 और ये जो arithmetic progression है उसका common difference यानी कि D वो 9 दे रखा है तो हमसे पूछा गया है कि how many terms are there? कितने terms है इस arithmetic progression में and what is their sum और उनका sum क्या है? तो nth term का जो expression होता है यानी कि an वो होता है पहला term और इसमें अगर हम n minus 1 बार d को add कर देंगे तो हमें हमारा nth term मिल जाएगा. तो चलिए बस यहाँ पे हम values डालते हैं. पहला term हमें पता ही है 8 के बराबर plus n minus 1 और d हमें पता है 9. तो अब हम 350 को 8 plus n minus 1 times 9 से equate करके n की value निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा 350 equals to 8 plus n minus 1 times 9. दोनों साइड में 8 subtract कर देते हैं. तो फिर हमें मिल जाएगा 350 minus 8 हो जाएगा 342 equals to ये और ये cancel. इधर आ जाएगा n minus 1 times 9. अब दोनों साइड अगर हम लोग 9 से डिवाइड कर दे इधर भी 9 और इधर भी 9 तो ऊपर और नीचे 9 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1. इधर अगर हम लोग ऊपर और नीचे 9 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 9 1 9 ऊपर हो जाएगा 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 3 27 नीचे आ जाएगा 7 7 और 2 हो गया 72 और 9 8 इज अ 72 होता है तो इधर आ गया 38 यानी क्या 38 जो होगा वो n minus 1 के बराबर हो गया. तो अगर अब मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूंगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 39 के बराबर. यानी क्या कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 39 टर्म्स दिए हुए हैं. टोटल 39 टर्म्स हैं. तो ये तो हो गया, हमने एक पार्ट कर दिया क्वेश्चन का, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, अब व्हाट इज देयर सम. अब हमसे सम पूछा गया है तो चलिए सम भी पता कर लेते हैं. तो सम ऑफ n टर्म्स और यहां पे टोटल हमने देखा कि 39 टर्म्स हैं तो सम ऑफ 39 टर्म्स हो जाएगा n by 2 टाइम्स पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म. क्योंकि यहाँ पे हम इस वाले एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म भी पता है पहला टर्म भी पता है तो हमें ज्यादा आसानी होगी इसको यूज करने पे. हालांकि आप इसके अलावा दूसरे रिजल्ट का भी यूज कर सकते थे जो कि था n by 2 times a plus लास्ट टर्म को मैं जनरल एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ a plus n minus 1 times d. तो ये a plus a कंबाइन होके हमें दे देगा 2a. अब आप इसको यूज कर लीजिए या फिर इसको यूज कर लीजिए, हमारा आंसर सेम ही आएगा. तो n की वैल्यू यहां से आ गई 39 तो ये हो गया 39 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a है हमारा a यानी कि पहला टर्म है हमारा 8. ये a एक्चुअली a1 है पहला टर्म तो ये है हमारा 8 प्लस लास्ट टर्म 350 दिया हुआ है प्लस 350 तो ये हो जाएगा 39 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 350 प्लस 8 होता है 358 के बराबर. 358 ऊपर नीचे अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 2 1 2 ये हो जाएगा 2 1 2 2 7 14 और 2 9 18 यानी कि 179 टाइम्स 39 ये हो जाएगा 39 टाइम्स 179 इसकी वैल्यू होगी. तो चलिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाए. 179 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 39 से. 9 9 जा 81 8 यहाँ आ जाएगा 9 7 जा 63 और 8 हो जाएगा 63 प्लस 10 होता है 73 माइनस 2 यानी कि 71 7 यहाँ आ जाएगा 9 1 जा 9 और 7 16 फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 क्योंकि अब मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 3 जा 27 और यहाँ पे आ गया 2 फिर 7 3 जा 21 22 23 यहाँ पे आ गया 2 3 1 जा 3 और 2 5 अब इनको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 8 9 और 6 ये हो जाएगा 6 9 8 1 के बराबर. यानी कि ये जो 39 टर्म्स इस एपी में होंगे उनका सम 6981 हो जाएगा.